तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा टाइटल देखकर एंड थंबनेल देख करके। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। और इसकी मदद से गाइस बहुत सारे फील्ड्स में जो है एकदम से जो है तूफान आ चुका है, और इसकी मदद से बहुत सारी चीजें जो है सॉल्व हो चुकी है। सपोज अगर आपको कुकिंग का मन कर रहा है और आपको वो पर्टिकुलर चीज खाने का मन कर रहा है और आपको उसकी रेसिपी मालूम नहीं है, आपको सिंपली चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछना है, वहां पे टाइप करना है उस पर्टिकुलर आइटम की रेसिपी, और तो चैट जीपीटी आपको पूरी रेसिपी यानी उसके बारे में पूरी डिटेल दे देगा कि आप किस तरह से उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो उसको बनाने के लिए। एंड अगेन, अगर सपोज आप किसी पैलेसेस पे गए घूमने के लिए और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या घूमने की चीजें हैं या क्या चीज है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आंसर करेगा उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम या उस पर्टिकुलर रेसिपी का नाम, या आप घूमने के लिए गए हैं तो आपको वहां पे आंसर करेगा कि यहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है, और आजकल जो है बहुत ज्यादा बूम मची हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जेमिनाई है, सीरी है या एलेक्सा है, ये बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है। हम कहीं भी बैठे हुए कुछ भी जो है इनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और ये हमें आंसर करेगा। तो सेम क्या हो अगर चैट जीपीटी हमें आंसर करे 1 मिनट की स्ट्रेटेजी के लिए हम किस तरह से सिग्नल ले सकते हैं, चलिए आज हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चैट जीपीटी की मदद से जानेंगे कि ओलिम ट्रेड के लिए 1 मिनट के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हैं कि 1 मिनट के लिए स्ट्रेटेजी कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो व्हाट इज दी बेस्ट 1 मिनट स्ट्रेटेजी फॉर ओलिम ट्रेड। तो चैट जीपीटी हमें क्या आंसर करता है, चलिए देखते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि इसने हमें आंसर किया है मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी फॉर 1 मिनट, यानी सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, और जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं और किस तरह से मैंने उस पर ट्रेड ली थी और किस तरह से मैंने जो है उसकी इंडिकेटर सेट किए थे, क्या वैल्यू मैंने सेट करी थी, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले बताई हुई है। अब इसने हमें क्या स्ट्रेटजी बताई है, क्या वैल्यूज बताई है, वो देख लेते हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो हमें वैल्यू बताई है, सारी चीजें इसने हमें यहाँ पे बताई है, मार्केट कंडीशन बताया है, रिस्क मैनेजमेंट जो कि मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो 1 मिनट के लिए स्ट्रेटजी और उसकी वैल्यू बताई है, सिंपल मूविंग एवरेज, और उसकी वैल्यू जो है 5 and 20, यानी हमें यहाँ पे डबल इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के। और यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन कैसे मिल सकता है, इसने सारी चीजें बताई है, कॉल के लिए हमें क्या कॉन्फर्मेशन मिलेगा, पुट के लिए हमें क्या कॉन्फर्मेशन मिलेगा, सारी चीजें इसने हमें यहाँ पे बताई है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले भी बताता आ रहा हूं कि हर इंडिकेटर जो कस्टमाइज स्ट्रेटजी होती है उस पे किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं और लगाने के बाद में किस तरह से हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा। तो बाय के लिए क्या सिग्नल है आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई एंट्री सिग्नल, और पुट के लिए क्या जो है सिग्नल्स दिया है। तो इसने हमें सिग्नल्स दिए हैं गाइज, व्हेन द 5 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबाउट द 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज, दिस इज द कंसीडर्ड अप ट्रेंड सिग्नल पैलेसिस कॉल और बाय ट्रेड। तो आपने यहां पे देखा कि जैसे ही वो उसको क्रॉस करके वैल्यू को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाएगा तो हम वहां पे सिग्नल ले सकते हैं बाय के लिए, एंड जस्ट अपोजिट पुट के लिए आपने देखा। तो यहाँ पे इन्हें सारी चीजें बताई है, जैसे कि मैं भी और कई सारी वीडियो में जो भी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ या सिंपल मूविंग एवरेज की जो मैंने पहले वीडियो बनाई है वो उसकी वीडियो में मैंने जैसा बताया था, सेम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमको आंसर किया है। अब रिस्क मैनेजमेंट की गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि फेवरेट पार्ट है गाइज। इसने भी बताया है कि ट्रेड ओनली 1 और 2% ऑफ योर टोटल बैलेंस पर ट्रेड, मिनिमाइज रिस्क।
अगर जैसे कि मैं पहले बताता आ रहा हूं आपको, कई सारी वीडियो में बता चुका हूं यार, और मेरा फेवरेट पार्ट है कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, मनी को मैनेज करना आना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी मनी को, कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर अगर आप ट्रेड लेने के लिए जाते हैं, सेम जो है चैट जीपीटी ने हमें आंसर किया है कि मिनिमाइज रिस्क को मिनिमाइज कीजिए गाइज। मैं ये नहीं कहता गाइज कि आप जो है एकदम से अपनी कैपिटल को, सारी कैपिटल आप ट्रेडिंग पे लगा दीजिए। रिस्क को मिनिमाइज कीजिए, यानी कैपिटल को मिनिमाइज कीजिए। कम अमाउंट से ट्रेड करेंगे तो अगर आपकी ट्रेड लॉस भी होती है तो आपके पास में फर्दर जो है सफिशिएंट कैपिटल रहेगी कि आप उस लॉस हुई ट्रेड को रिकवर कर सकें। तो सेम गाइस यहां पे इसने रिस्क मैनेजमेंट का बताया है कि फास्ट ट्रेड कैन रिजल्ट इन क्विक गेन्स एंड लॉसेस, सो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसने ऑलरेडी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें आंसर किया है फोर्थ नंबर के कॉलम पर। अब आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन, मार्केट कंडीशन भी इसने बताया है कि जब मार्केट ओवरलैप कर रहा होता है या जब मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, उस दौरान भी मैं कई बार बोलता हूँ कि इस दौरान जो है आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है गाइस, कुछ बहुत सारे न्यूज इवेंट्स ऐसे आते हैं या कुछ करेंसी पेयर्स पर गाइस, वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पर उस करेंसी पेयर पर जिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी थ्री बुल वाली न्यूज होती है, थ्री स्टार वाली न्यूज होती है। तो मैंने पहले भी बताया कि उस करेंसी पेयर को या उस करेंसी को आपको अवॉइड करना है, उस करेंसी को छोड़ करके आप किसी भी करेंसी पर ट्रेड ले सकते हैं, ये सबसे पहले आपको चेक करना है। सेम यहाँ पे इसने बताया है कि अवॉइड हाई वॉलेटाइल मार्केट और बिग न्यूज इवेंट, जो हम न्यूज इवेंट्स पर ट्रेड लेते हैं, इसने भी हमें बताया है एज प्राइस मूवमेंट्स कैन बिकम अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि अगर आप वॉलेटिलेशन, जब मार्केट वॉलेटाइल हो या ओवरलैप कर रहा हो, तो अगर आप ट्रेड लेने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके जो है लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे इसने रिस्क मैनेजमेंट बताया है और मार्केट कंडीशन के बारे में भी हमें बताया है। तो यहाँ पे इसने सारी चीजें बताई है, किस करेंसी पेयर पर आप ट्रेड ले सकते हैं, सिंपली आप करेंसी पेयर पर ट्रेड ले सकते हैं, जो करेंसी पेयर मैंने आपको बताया वॉलेटाइल है, उस करेंसी पेयर को आप बिल्कुल भी उस करेंसी पेयर पे ट्रेड ना ले, नहीं तो आप अपने पैसे को लॉस कर सकते हैं, कैपिटल को लॉस कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप कोई से भी करेंसी पेयर पर आप ट्रेड ले सकते हैं, सपोज यूरो यूएसडी या यूरो यूएसडी, अगर आपने देखा कि मार्केट कंडीशन बेटर नहीं है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, अदर करेंसी पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे करेंसी पेयर्स आपको मिल जाएंगे। साइकोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन, जैसे कि मैं और कई सारी वीडियो में हमेशा बताता हुआ आ रहा हूँ, स्टिक टू योर स्ट्रेटजी एंड अवॉइड ओवरट्रेडिंग। ओवरट्रेडिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ओवरट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। लोग क्या करते हैं गाइस, अपनी आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ट्रेड ली, सेकंड ट्रेड ली, आपको वो विन हो गई, दैट मीन्स कि उस टाइम मार्केट जो है एक फ्लो में चल रहा था, या अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड में। समटाइम क्या होता है गाइस, ओवरलैपिंग करने लगता है मार्केट या वॉलेटाइल हो गया मार्केट, तो वहां पर आप अपनी ट्रेड को लॉस कर दोगे, कैपिटल को लॉस कर दोगे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। और जब हमारी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो जाती है, सेकंड ट्रेड लॉस हो जाती है, तो क्या करते हैं लोग, उस लॉस को रिकवर करने के लिए, उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए अमाउंट को जस्ट डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद में वो भी ट्रेड लॉस हो जाती है जब वॉलेटाइल होता है मार्केट। तो यहाँ पे इसने स्ट्रिक्टली बोला है कि इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले डेमो अकाउंट से ट्रेड लें, देन उसके बाद रियल अकाउंट में शिफ्ट करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई है इसने कि किस तरह से आप ले सकते हैं। मार्टिंगल फॉलो कीजिए आप, वहां पे जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, सारी चीजें यहाँ पे हैं। और गाइज वन मिनट के लिए, मैंने कई बार बोला है वन मिनट के लिए, जब भी हम जाते हैं ट्रेड लेने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जो है वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। वन मिनट के लिए कभी भी मैं ट्रेड के लिए जो है प्रेफर नहीं करता, हमेशा दो मिनट या तीन मिनट या उससे ज्यादा जो है उसके लिए मैं ट्रेड के लिए जाता हूं। और वहां पर सम टाइम क्या होता है, वन मिनट के लिए मार्केट की कंडीशन एंड प्राइस एक्शन जो है मालूम नहीं पड़ पाता कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड ले। सम टाइम क्या होता है, आपने अपर ट्रेंड के लिए लगाया, एकदम से कैंडल जो है डाउन ट्रेंड में चले गए। तो सारी चीजें गाइज डिपेंड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे, स्ट्रेटजी पर, और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है गाइज, एक्सपीरियंस सारी चीजें गाइज। अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट नॉलेज अगर आप जाएंगे किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, तो डेफिनेटली आप जो है पैसा लॉस कर दोगे गाइज। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और मैंने आपको पहले भी बोला था गाइज कि ट्रेडिंग जो है बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ये ट्रेडिंग पैसा देता है, भर भर के पैसा देता है, तो
अगर आप इसमें ओवर ट्रेडिंग करेंगे या विदाउट नॉलेज विदाउट विदाउट किसी एनी सपोर्ट की ट्रेडिंग करेंगे तो आप वहां पे अपना पैसा लॉस ही करोगे। तो एक्सपीरियंस सपोर्ट और नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि मैं और कहीं किसी और चैनल की बात तो करता नहीं, ये जितनी भी सारी नॉलेज है नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी और किसी चैनल की मैं बात करता नहीं। ना मैं जानता हूँ गाइज कि आपको कहाँ क्या और किस तरह से नॉलेज मिलेगी। या बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे बोलते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम आपको जो है 100% प्रॉफिट करके दिखाएंगे, आपकी कैपिटल ग्रो करके दिखाएंगे। गाइज 100% तो ट्रेडिंग में कुछ होता ही नहीं है, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, 100% इज नथिंग गाइज। तो फ्रेंड्स सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक्सपीरियंस पर, सपोर्ट पर, कैंडलस्टिक पैटर्न पर, स्ट्रैटेजी पर। तो ये सारी चीजें अगर आप समझ जाते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो यार ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को यूज करके, यानी जो चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट की है उस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड दिया है, वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइज। और इसके सेकेंड पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, keep watching, and thank you so much for watching this video till the end.